खबर बिहार से, जहां के पूर्व उप मुख्यमंत्री व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी बिहार को स्पेशल पैकेज देने के साथ बंद चीनी मिलों को शुरू कराने की बात कही थी, लेकिन कोई काम नहीं किया गया। उन्होंने बीजेपी पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने युवाओं को न नौकरी दी न ही रोजगार। आरजेडी ने 17 महीने में बिहार के 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। बिहार को स्पेशल अटेंशन की बात कहे थे, स्पेशल पैकेज की बात कहे थे, बंद चीनी मिल चालू करा देंगे, जितना चीज ही कहे कोई काम इन्होंने नहीं किया, केवल झूठ बोला है, बिहार के लोगों को धोखा दिया है। इसलिए आप सब लोगों से हम कह रहे हैं, हम लोगों ने जो कहा वो किया। 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। लालू जी ने रेलवे का कारखाना मधेपुरा में दिया था। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।